अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कासिम अली टीवी पर आपको एक नई वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। आज किस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम आपको एक बहुत ही कमाल के उर्दू कीबोर्ड के बारे में बताने वाले हैं, जिसको यूज़ करके ना सिर्फ आप अपनी उर्दू को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि इसके साथ साथ अगर आप सोशल मीडिया पर काम करते हैं, आपको सोशल मीडिया पर डिफरेंट किस्म के आर्टिकल्स लिखने पड़ते हैं, पैराग्राफ आपको लिखने पड़ते हैं, तो आप इस कीबोर्ड की मदद से आसानी से लिख सकते हैं। इस कीबोर्ड की सबसे खास बात यह है कि ये कीबोर्ड अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारा जो 80% काम है ये कीबोर्ड खुद हमें करके देता है। उसका मिसाल मैं आपको देता हूँ, अगर आप कोई भी लफ्ज़ इसमें लिखना चाहते हैं, आप जस्ट उस लफ्ज़ को लिखना स्टार्ट करते हैं तो ऊपर वो पूरा लफ्ज़ ये हमें लिख के दे देता है। जस्ट आपने उस लफ्ज़ पर प्रेस करना होता है तो आपके आर्टिकल में वो छप जाता है। ठीक है, अगर आपने कोई भी कोई चीज़ आप लिख रहे हैं, किसी को मैसेज लिख रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जो है वो ये लिख देता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं इसकी मदद से ये लिख रहा हूँ, तो जैसे ही मैं कोई लफ्ज़ में लिखना चाहता हूँ उसका सिर्फ मैं पहला लफ्ज़ लिखता हूँ तो वो पूरा जो लफ्ज़ है वो हमारे सामने ऊपर हमें दे देता है कि ये लफ्ज़ जो है ये आप लिखना चाह रहे हैं तो इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सो ये कौन सा कीबोर्ड है, किस तरह से आपने यूज़ करना है, कंप्लीट डिटेल आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला। सो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखते रहें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। और इसके साथ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जस्ट 2 से 2.5 मिनट की वीडियो है, इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो चलते वीडियो की तरफ, आपको बताता हूँ कौन सी एप्लीकेशन है, कौन सा कीबोर्ड है, किस तरह से आपने इसको डाउनलोड करना है और किस तरह से आपने इसको यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, इस कीबोर्ड एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपने अपने प्ले स्टोर को ओपन करना है और ऊपर सर्च बार में आपने लिखना है उर्दू मुकम्मल कीबोर्ड। अब ये हो सकता है कि आपका ये सर्चिंग में ना आए, उसकी वजह यह है कि जब आप उर्दू मुकम्मल कीबोर्ड लिखेंगे तो आपके पास उर्दू का कीबोर्ड पहले होगा ही नहीं, तो ये एप्लीकेशन को आप किस तरह सर्च कर सकेंगे। पहले तो आपने उर्दू कीबोर्ड लिख लेना है, अगर आपको वहाँ पर यह एप्लीकेशन मिलती है तो ठीक है, अदरवाइज इस एप्लीकेशन का जो लिंक है मैंने आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया। जस्ट आपने लिंक पर क्लिक करना है तो आपके सामने प्ले स्टोर पर इस तरह से एप्लीकेशन आ जाएगी, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। अगर आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहाँ से आप जो है आसानी से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। 5 लाख से ऊपर लोग जो इस कीबोर्ड को यूज़ करते हैं वो इस वजह से कि बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है। इसके रिव्यू आप देख सकते हैं कितने कितने अच्छे लोगों ने इसके लिए कमेंट किए हुए हैं कि ये सबसे बेस्ट कीबोर्ड है उर्दू के वाले से प्ले स्टोर पर। तो अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आपने इसको यूज़ करना है डाउनलोड करने के बाद। तो फ्रेंड्स, कीबोर्ड ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपने सिंपली से इसको ओपन करना है तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, आपने सबसे पहले ऊपर वाले पर क्लिक करना है, अनेबल कीबोर्ड, ठीक है, इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको नीचे नज़र आ रहा है उर्दू कीबोर्ड, तो इस पर आपने ये आपको यहाँ पर ऑफ मिलेगा तो आपने सिंपली से इसको यहाँ से ऑन कर देना। ठीक है, आप यहाँ पर ऑन वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने इसको ओके करना है तो ये आपका ऑन हो जाएगा। अब उसके बाद नंबर 2 वाला है कि यूज़ कीबोर्ड, ठीक है। अब मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर कि मेरे पास इस वक्त जो कीबोर्ड है इंग्लिश का है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश है, तो जैसे मैं इसको चेंज करूंगा तो ये उर्दू हो जाएगा अभी। ठीक है, मैं आपके सामने यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ। आपने यहाँ पर नंबर 2 वाले यूज़ कीबोर्ड पर क्लिक करना है। यूज़ कीबोर्ड पर क्लिक करने के बाद आपने जो नंबर 2 वाला है उर्दू वाइड, इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो कीबोर्ड आप उर्दू में हो चुका है कन्वर्ट, तो आप उर्दू में कुछ भी लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो उर्दू कीबोर्ड है वो यहाँ पर आ चुका है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर इसको इंग्लिश करना चाहते हो तो यहाँ पर ऊपर इंग्लिश वाला बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ से इंग्लिश हो जाएगा। उसके बाद आप उर्दू पर क्लिक करके इसको दोबारा से उर्दू कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप सेटिंग को हटाना चाहते हैं, ये उर्दू कीबोर्ड को खत्म करके अपना जो मोबाइल का कीबोर्ड उसको लाना चाहते हैं, दोबारा से आपने यहाँ पर आना है और यूज़ कीबोर्ड पर क्लिक करके यहाँ पर नंबर 1 वाला जो आपका कोई भी मोबाइल होगा तो उसका नाम ऊपर लिखा होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं सैमसंग कीबोर्ड, मेरा सैमसंग का मोबाइल है तो यहाँ पर ये आ रहा है, तो आपने इस पर क्लिक करना है तो आपका जो कीबोर्ड है वो दोबारा से आपके मोबाइल वाला ओरिजिनल यहाँ पर आ जाएगा। सो इस तरह से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ये थी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।